लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही है हमारे कॉलेज के चेयरमैन नरेश चंद्र जी। नमस्कार, लगता है सारे चैनल वाले आ गए। वेलकम वेलकम। हमेशा से आपका कॉलेज मौसीकी कंपटीशन जीतती आई है, इसलिए हम आपका साक्षात्कार। आपको हमारा साक्षात्कार नहीं करना, हमारे लिए। खामोश, हमारे टीचर्स का। देखिए, कोई भी कॉलेज अपने टीचर्स के कारण ऊंचाई पर पहुँचता है, हमारे कॉलेज में भी एक है। आइए उनसे मुलाकात करवा दे। बाला, नीचे आओ। क्या बाला, पेड़ पे बैठ के संगीत सिखा रहे हो बच्चों को? सर, बच्चे तो स्टेज पे ही गाना गाते हैं ना, इससे स्टेज पे कैसे गाना गाते हैं वो हम सिखा रहे हैं। ये लोग भी बहुत ऊपर आ जाए इसलिए पेड़ पे चढ़कर मैं गाना सिखा रहा हूँ इन्हें। हम एक तरीके से इन्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ऊंचाइयों को कैसे छूना चाहिए। आपका कॉलेज नंबर 1 पर क्यों है, ये हमें पता चल गया सर। तभी तो कहा था बाला का साक्षात्कार लो, ले लो साक्षात्कार। जनाब, हमारे बारे में तो सारी आवाम जानती है, इसलिए ये इंटरव्यू आप ही दीजिए। अगर होटल में अच्छा खाना बनता है तो इंटरव्यू किसका लिया जाता है? बावर्ची का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, होटल के मालिक का लिया जाता है। इसीलिए इंटरव्यू आप ही दीजिए। उम्दा बेटे को उम्दा पिता, उम्दा फसल को उम्दा किसान, उम्दा देश को उम्दा सियासतदान मिलना चाहिए। उसी तरह हर उम्दा कॉलेज में एक उम्दा टीचर होना चाहिए। आहा, देखो देखो देखो, यही संगीत है। हमारा बाला एक अनोखी प्रतिभा का स्वामी है। एक साल में इसने अपनी प्रतिभा दिखा दी है। हमारे कॉलेज की वजह से बहुत सारे कॉलेज की इमेज खराब हुई है, लोग उनको पहचानते भी नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आखिर सच तो यही है ना, तभी तो हम अपने टीचर्स को इज्जत देते हैं। हमें फक्र है कि बाला हमारे कॉलेज में है। नो! होई काबा, हमरे चामुंडी देवी के गुस्सा आया होगा। अब हम अंदर होते तो हमको लगता होता, और बाहर है तो कोनो सामान के लगा होगा। क्या हुआ मैडम? राव जी, ये सब क्या है? क्या हम आप सबको तनख्वाह नहीं दे रहे? कोई कमी है यहाँ पर? स्टूडेंट्स से ज्यादा तो टीचर्स है यहाँ पर। काम करने वाले कम, काम करवाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो कल्याणी कॉलेज नंबर 1 क्यों, और हमारे कॉलेज की ऐसी हालत क्यों है? वहाँ का चेयरमैन मैडम एकदम सोना है। ये आवाज कैसी है? आपने जो थप्पड़ मारा उसे की आवाज है। जी जी, हम उस आवाज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी पुरानी रिदम पे डांस की तालीम देकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे। रिडिक्युलस। ठहरिए, स्टॉप इट।
हिंदुस्तान से लेके कई मुल्कों तक पता नहीं कितने कॉलेजेस में प्रोफेसर के हैसियत से तालीम देकर डांसर्स बनाए हैं। वहीं आज चामुंडेश्वरी के कॉलेज में, मेरे खुद के कॉलेज में इस तरह डांस की तालीम दी जा रही है। शेम शेम। मैं सही तो सिखा रही हूँ मैडम। करेक्ट। और तुम जिस तरह डांस की तालीम दे रही हो वो सीखते सीखते ये लोग बुजुर्ग हो जाएंगे। डांस कैसे करना चाहिए हम सिखाते हैं। हमारा म्यूजिक प्ले करो। अगर पैर लग जाता तो शक्ल बिगड़ जाती। डांस इसे कहते हैं। ये सब तो ठीक है मैडम, आप जौन रेंज में सोचती हैं उस रेंज में टीचर भी तो चाहिए। इनमें से कोई नहीं है। एक हफ्ते से सितारा इंटरनेशनल 7 स्टार होटल के अंदर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कार पार्किंग फुल हो जाती है। 16 साल की उम्र से लेके 24 साल तक की लड़के लड़कियाँ वहीं पर डांस सीखने जा रहे हैं। काहे की कोई कृष्णा है सुपर डांसर, जाई देखी। अगर आप में हिम्मत है तो का हायर करके मास्टर बना के यहाँ ले आई। अब तो उसे बुलाना ही। दिल्ली हमार रहे लेना जाने हर एक गला, ऐसन समा रहे यहाँ दिल ता बनल मचला। दिल्ली हमार रहे लेना जाने हर एक गला, ऐसन समा रहे यहाँ दिल ता बनल मंचला। दिल के मरज के वो समझे ना, हाँ छोड़ के दुनिया जहाँ जाई तो जाई कहाँ, दिल के दर्द के वो समझे ना। दिल्ली हमार रहे बेला जाने हर एक गला, ऐसन समा रहे यहाँ दिल का बनल मचला। हाँ, करी
जहां केहू के दिल कभी तड़पे ना। हाँ, रंगी दुनिया सही रंगी बना के रखी चाहत मगर कभी उतरे ना। दिल्ली हमार रहे बेला जाने हर एक कला ऐसन समा रहे यहाँ दिल का बनल मचला। हम कृष्णा कृष्णा नरेश सुब्रमण्यम। आई एम चामुंडेश्वरी। हेलो, हमार मैडम के बारे में आपके कुछ नहीं मालूम? सब कुछ मालूम है। इनके अतीत की एक कहानी है, समुंदर से भी गहरी। आप क्या किसी से कम हैं? कल हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी, आप यहाँ काफी मशहूर हैं। हाँ, हम तो सिर्फ यहीं फेमस हैं, आप तो पूरे मुल्क में फेमस हैं। अब ये सब बात छोड़िए और ये बताइए, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप हमारे कॉलेज में डांस मास्टर के हैसियत से काम करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स को आप अपनी तरह से तैयार करेंगे, जितने पैसे चाहिए मिलेंगे। टेक दिस ब्लैंक चेक। ये मत सोचिए कि हम घमंड से बोल रहे हैं, हुनर तो हमारी जान है, डांस हमारी रूह है, और आप जैसे मास्टर को हमारे कॉलेज की जरूरत है, तभी तो हमारे कॉलेज की तरक्की होगी। बोलिए। अगर आप सिर्फ दौलत की बात करेंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर आपका काम नहीं होगा। कला को आप कितना प्यार करती हैं और कितना आप कॉलेज को चाहती हैं, ये आपकी आंखों में नजर आ रहा है, और इसीलिए हम आपकी शर्त मान लेता हूँ। अगर आप हमारे कॉलेज में मास्टर बनेंगे तो जो भी यहाँ डांस देखने आएंगे आपको देख कर यहाँ के स्टूडेंट्स बन जाएंगे, और फिर वो कल्याणी कॉलेज कहीं नजर नहीं आएगा। इंसान इच्छा करता है और ऊपर वाला उसे पूरा करता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम कब आएंगे और कब जाएंगे ये सवाल हमसे कोई नहीं पूछेगा। देखिए, हम एक आजाद पंछी हैं, ओके? ओके। हम कल से तालीम देनी शुरू करेंगे। मोहतरमा, एक छोटा सा सजेशन है, अपने होठों पर लाइट लिपस्टिक लगाएंगी तो ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। ये सब हम जानते हैं। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, तेरी जिप क्यों है हमेशा खुली, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी। कौन है रे, कौन है ये चौधरी? हम हैं चौधरी, नरेश चौधरी। तुम कौन? हम कौन है? अरे बेवकूफ, इस गांव में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब हमारी हैं। कितने प्यार से अपनी दूसरी बेगम के नाम पे ये जमीन की थी हमने। हम यहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री डालने की सोच रहे थे, तूने हमारे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया। अंकी रेड्डी को कायर समझे है क्या? डरूंगा नहीं, लोहा हूँ लोहा। गर्मी मत दिखा, अगर कोई और फैक्ट्री डालता तो मैं कुछ नहीं कहता। शराब की फैक्ट्री, वो भी संगीत के मंदिर की जमीन पर। छी, इसीलिए स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ, यहाँ शराब की फैक्ट्री नहीं डालने दूंगा। तुम मना करने वाले कौन होते हो? हम देखते हैं, 2 करोड़ रिश्वत दी है, अपनी दूसरी बेगम को हिस्सा दिया है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। सुन, तू क्या तेरे वालिद भी आ जाएंगे ना तो भी ये फैक्ट्री यहीं पे बनेगी, यहीं पे बनेगी, यहीं पे बनेगी। बात को कौन काट सकता है? लगाइए जनाब, लगाइए फैक्ट्री। ये हुई ना बात, ये समझदार लोगों को ही समझ में आता है। क्या रे, ये कौन है? जनाब, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से फैक्ट्री के लिए स्मगलिंग का गोदाम ही सही है। अगर हम संगीत की तालीम यहाँ देंगे तो ऊपर वाला यहाँ आके हमारा काम तमाम कर देगा। एकदम सही फरमाया। शराफत से स्टे ऑर्डर वापस ले लो, नहीं तो जब हमारी फैक्ट्री यहाँ बनेगी तुम्हारा कॉलेज नजर नहीं आएगा, ये सारे लोग तुम्हारी बैंड बजा के रख देंगे, क्या समझा? अरे क्या फरमा रहे हैं आप? क्या हमारे चेयरमैन नालायक हैं?
एक नंबर के बेवकूफ हैं। घास खाते रहते हैं क्या यहाँ से निकाल के? क्या समझ रखा है आपने इन्हें? अरे ठहरिए जनाब। क्या भाई आप फैक्ट्री लगाएंगे? ये अगर गधे पे बैठ के छोटे कोर्ट में जाएंगे तो क्या आप बड़े कोर्ट में जाएंगे वो भी घोड़े पे बैठ के? सही फरमाया, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? अरे मैं ऊपर के कोर्ट में जा सकता हूँ, ये बात हमें बताया क्यों नहीं है हमारे? ये बातें छोड़िए, अगर आप में हिम्मत है तो 15 तारीख को आकर 8 बजे आके भूमि पूजन कर लीजिए। अगर आपने भूमि पूजन कर ली तो आपकी नजर मैं उतारूंगा। जाके कर लीजिए जल्दी जल्दी भूमि पूजन। 15 तारीख तो हमारा अच्छा दिन है, बड़ी अच्छी बात है। ए, सुनो, सबसे पहले हम बड़े कोर्ट में जाएंगे और इसकी बैंड बजा देंगे। तुमने जो मुहूर्त निकाला उसी वक्त भूमि पूजन करूंगा और नारियल फोड़ूंगा और सबको प्रसाद खिलाऊंगा, सबको बता के फिर काम शुरू करूंगा। ए, चलो रे चलो। जनाब जनाब देखा ना कैसे भगा दिया हमने? भगा दिया? कौन से जन्म का बदला लिया तुमने? तुमने मेरे साथ रहकर उसकी तरफ से बोला कौन सी तारीख को सही डेट है, सब कुछ तुमने बता दिया। फिक्र मत करिए जनाब, मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? हाँ। उसके पास होता ना तो वे ऐसा नहीं बोलते। मैडम पब्लिसिटी में डालने के लिए हम आपन भी फोटो दे दें। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। आप आज से क्लासेस शुरू जी मोहतरमा। देखिए हमने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, टेक केयर। मोहतरमा हम किसी की बात नहीं मानते और जब मान लेते हैं तो अंजाम तक पहुंचा देते हैं। देखिएगा एक दिन आपका कॉलेज कहां से कहां तक पहुंचेगा। हमारे कॉलेज के प्रमोशन के लिए हमने सारे चैनल वालों को बुलाया है। यू मीन टीवी इंटरव्यू? यस। एक छोटा सजेशन है, इस साड़ी पर अगर ब्लाउज पिंक होता तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती। अगर आप चलेंगी तो ताजमहल के सामने मुमताज बेगम चल के आ रही हैं और आप हंसती हैं तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या है ना मोहतरमा, अगर 35 साल पहले मैं पैदा हुआ और 35 साल बाद आप पैदा हुई होती तो मैं और ज्यादा बात करता। मैडम? यस। मैडम साक्षात्कार के लिए आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही इंतजाम कर दिया है। या आई एम रेडी। आप इसी साड़ी में साक्षात्कार देंगी? क्यों, अच्छा नहीं है? कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस साड़ी पर पिंक ब्लाउज होता तो बहुत अच्छा होता। हम बोलेगा तो बोलोगे की बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे की बोलता है। ये जी फिर से कैसे खुल गए? अब है साथ में चमचा भी है। या push the 10. Marry you through the threshold, carry you to the light down real low and turn up that stereo seriously. I think you and me were made for each other. Body sister with the soul, brother. हेलो मोहतरमा। यस। हमने जो कहा था वो कर दिखाया, आपका ख्वाब पूरा कर दिया। अगर 1000 स्टूडेंट्स भी हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लें फिर भी हमारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। कल्याणी कॉलेज के चेयरमैन की बेटी कल्याणी, वो हमारे कॉलेज की स्टूडेंट हो तो हमारा ख्वाब पूरा होगा।
वो मोहतरमा इस वक्त कहाँ होंगी? कल ही वो MBA की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से यहाँ आ रही है। तो समझिए आ गई, या आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। एक बार नजरें मिल गई ना तो कल्याणी इस कॉलेज में नजर आएगी। नजर मिला के क्या आप कोई हीरो या जादूगर हैं? कुछ भी समझ लीजिए। मैडम एक छोटा सा सजेशन है। हम अपने बारे में जानते हैं। हम आपकी खूबसूरती के बारे में नहीं बोल रहे हैं, चेक के बारे में बोल रहा हूँ। चेक पास हो जाएगा ऐसा तो नहीं सोचा था? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता। ये फिर से कैसे खुल गई? जनाब जनाब ये क्या अन्याय हो रहा है? आपकी बेटी शराब पी रही है और आप खुश हो रहे हैं और आप इसके साथ यहाँ बैठ के चेयर्स कर रहे हैं, ये हमारी तालीम के खिलाफ है जनाब। हमारी किस्मत में का पूरा खंबा पिया करता था, पहले आधी करवाई फिर 90 करवा दी। पिछली बार जब दिल्ली गया था ना तो उसने वो भी बंद करवा दी। अभी पीने की बात की तो कहती है कि हम भी चीयर्स करेंगे आपके साथ। शाबाश, आप जैसों को कोई नहीं रोक सकता, ना घर वाली ना बाहर वाली, सिर्फ बेटी ही कंट्रोल कर सकती है। बहुत अच्छा कर रही है जी आप। जी मतलब? आप मेरे मालिक की बेटी है ना इसलिए जी बोला। हाँ बहुत इज्जत है हमारी। इज्जत है? हमारी बेटी के साथ तू भी दुश्मनों में शामिल हो गया। सर बालाजी हमारे दुश्मन ना दोस्त हैं, हमें मालूम है। तू तो खामोशी रहा कर। ओ, डैडी आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपको शुगर और BP भी है, इतना मत पीजिए ना प्लीज। जब वादा कर दिया तो नहीं पीऊंगा बेटी, लेकिन पीऊंगा सिर्फ एक बार। तो मैं भी पीऊंगी जब तेरी शादी होगी तब। गुड बॉय। क्या क्वार्टर सेंटीमेंट है जनाब? डॉटर सेंटीमेंट। अरे नहीं बाला, हम बेटी से क्या वादा नहीं तोड़ सकते। बाला नहीं पापा, हम हैं। बेटी पियो। तुम बिना पिए जो आपको तकलीफ होगी वो कहीं ज्यादा होगी। पी लीजिए आपको नींद आ जाएगी। कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, बन जा साथी हमार करे अब तोहरा से हम प्यार, बन जा साथी हमार करे अब तोहरा से हम प्यार। कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, बन जा साथी हमार करे अब तोहरा से हम प्यार। Yeah.
धक धक कर दिल मोरा, जब हम करी तो से अपने दिल की बात। धक धक कर दिल मोरा, जब हम करी हो अपने दिल की बात। घड़ी बीत जाए ता कभी देर ना करी, माने जग सारा तू काहे माने ना, बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। धर धर झर 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 मोरा दिल, करे है तुझी से मिलन। घन 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 डम 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 तू चुप ना रहा, देख ली हाल दिल का। मोरे दिल में तू बसा तू दूर ना रहा, पाओ तले प्रेम कमल बिछा दी, बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। विस्की से ज्यादा आपके संगीत में नशा है, ये आपने साबित कर दिया। बिना पिए मेरे पापा को कभी नींद नहीं आती है, पर आपने इन्हें अपने गाने से सुला दिया, शुक्रिया। बस पाला, अभी तक आप हमको बहुत दे दिए। आज के जमाना में कौन किकरे भरे का करत है। हमार कॉलोनी के लिए तुम अपनी कमाई का एक एक पैसा हमें दे रहे हो, तुम तो फरिश्ता हो हमारे लिए। तुम जो सोचते हो कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे तो यही हमारी दुआ है। आज 15 तारीख है, वो अभी तक भूमि पूजन के लिए आया क्यों नहीं? वो क्या है चौधरी, कल 14 तारीख को हमारी दूसरी बेगम का जन्मदिन था। लेट नाइट हो गई थी, सुबह उठने तक मुहूर्त खत्म हो गया, इसीलिए हमने अपना मूड बदल दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम नया मुहूर्त निकाल के बड़े धूमधाम से भूमि पूजन करेंगे। क्या है, अपनी वो फैक्ट्री तो हम इधर ही लगाएंगे। क्या रे, आज वो हमें घूर घूर के क्यों देख रहा है? मालिक, इसकी भोली सूरत पर मत चाहिए, मारने पीटने में इसका कोई जवाब नहीं है। अगर यकीन न हो तो अस्पताल में जाकर नजारा देख लीजिए। अरे बाप रे, बचाओ! ये सब क्या है, इन सब की इतनी पिटाई किसने कर दी? सबके पार्ट खराब हो गए हैं सर, सब बेकार लोग हैं, एक एक के खड़ा होने में 6 महीने लग जाएंगे सर। अरे बाप रे, इसको यूं खड़ा करके क्यों रखा है? अरे सुमी, तुम्हें क्या हो गया? सर, ये सब के खड़ा होने में 6 महीने लगेंगे, इसको लेटने में 10 महीने और चलने में 6 महीने लगेंगे सर। ऐसे कैसे ले जाए? आप सही फरमा रहे थे चाचा, इन लोगों की ऐसी हालत उसी ने की है। मालिक,
उसने धमकी दी है कि अगर आप वहाँ पर गए तो आपकी हालत भी ऐसी ही होगी। आप खामोश रहे, हमें पता है वो खुद को शेर समझता है ना, हमारे बारे में नहीं जानता। हमारी ताकत कितनी है, कल ही हम अपने गांव से खास गुंडों को बुलाएंगे, वो उसे उठा के यहाँ लाएंगे और फिर हम उसे अपनी आँखों के सामने मच्छर की तरह पिसवाएंगे और फिर उसके बाद 6 महीने तो क्या, साल भर तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो, हमें उतारो, हम कोई साधु या सन्यासी नहीं जो हमें इस तरह से उठा के ले जा रहे हो। अरे इतना सम्मान मत दो भाई, उतारो मुझे। अरे क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी धुलाई करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया है, उन्हें मारा था ना, अब इन्हें मार के दिखाओ। अरे हमने अपने गांव से इन्हें खास तौर पे बुलाया है, शेर है ये लोग, इन गुंडों को अब तू मार के दिखा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हंकी कायर नहीं है, शेर है। ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा लाए हैं जनाब, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है जनाब। अरे हमें जाने दीजिए। क्यों, हवा निकल गई ना, देखा अब पता चला कि हंकी में कितना दम है। तरीके से नहीं मारा जनाब, इस मुस्टंडे ने ऐसे मारा जनाब, इस कमीने में जरा भी रहम नहीं खाया जनाब। और ये काले पीले गुंडे, इन लोगों ने जनाब इन लोगों ने मुझे इस तरह से पीटा, देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये देखिए, फिर आ गए ये लोग, जनाब रुकिए इन्हें। जनाब आपको लगी तो नहीं, जनाब मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। आप ठीक है ना जनाब, आप ठीक है ना? हमें बख्श दो, हमें मत मारो। नहीं जनाब, आपको देखना होगा। अरे अरे जनाब, जनाब देखो, आप ठीक तो है ना जनाब? तेरी तो ये इतने सारे थे और मैं अकेला था जनाब, इन लोगों ने जरा भी रहम नहीं खाया मुझ पे। अरे नहीं देखना हमें, नहीं देखना, सुनना भी नहीं है। जनाब मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मेरे मालिक जो है ना चौधरी, वो भी आपकी तरह ऐसे ही बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं है, हम चौधरी के हैसियत के नहीं है। नहीं जनाब, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो हम खड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉस भी खड़े रहते हैं। क्या तुम्हारा बॉस खड़ा था? लो हम बैठ गए। अभी तो हम सिर्फ सहलाए हैं, आइंदा अगर इन लोगों ने चौधरी की तरफ आंख भी उठाई तो और भी बुरा हाल करूंगा, तोड़ डालूंगा। अरे बाप रे, ये मामूली आदमी नहीं है, वो जमीन हमें क्यों चाहिए? फैक्ट्री डालने के लिए नहीं, वो जमीन हमें नहीं चाहिए। जहाँ पर भी लेकर आती हूँ वो जगह नंबर वन होती है। यस, मुझे हरदम नंबर वन बनकर ही जीना अच्छा लगता है। मैं पैदा भी हुई थी January 31st को। मैं जो ड्रेस पहनूं और जिससे मैं शादी करूं, वो भी नंबर वन ही होना चाहिए। हेलो, क्या बात है, खड़े खड़े ख्वाब देख रही हैं? जी नहीं, वो तो खड़े खड़े कोमा में चली गई। अरे कृष्णा, आप तो इतने बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं, आपको देखते ही लड़कियों को करंट लग जाता है। धक्का दिया है, इसे तो शॉक लग गया होगा। चलिए, अब क्या सोच रही है? क्यों रे, ऐसे क्या देख रही है? क्या कभी किसी मर्द को नहीं देखा? वो लड़का है ना, हमारे कॉलेज के बाला मास्टर की जैसा दिखता है, सेम डिट्टो वैसा ही लगता है, बस एक छोटा सा फर्क है, हमारा बाला सितार है और ये गिटार है।
बिल। अरे जरा जल्दी चले, शो का वक्त हो गया है वरना देर हो जाएंगे। 2300। मेरा पर्स कहाँ गया? अरे तेरा पर्स? पर्स तो मैं लेकर आई थी। क्या? You want to one more? This is okay for you. What can I do for you? हाँ ये ठीक है। अरे Hey man, where's my purse? Give it back. उसके अंदर 3000 रुपए थे। Hey, मोदरमा ये क्या बात कर रही है? मुझे पता है, खूबसूरत लड़की को देखकर उसे धक्का मारकर तुम लोग उसका पर्स चुरा लेते हो। Hey, stop what nonsense are you talking? ये कौन है जानती भी हो? भैरवी कॉलेज के डांस मास्टर हैं। लाखों रुपए देकर इनके पीछे लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए घूमते रहते हैं। और इतने ग्रेट पर्सन को तुम पिक पॉकेटर कह रही हो, और वो भी केवल 3000 रुपयों के लिए। इन्होंने जो जूता पहना है उसकी कीमत जानती भी हो? नवीना, 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 कूल कूल कूल। दरअसल ये कंफ्यूज होके टेंशन में आ गई। नो, मुझे पता है, जब तुमने मुझे धक्का मारा था। ए, चलना, आओ तो। तेरा पर्स कार में ही पड़ा है। जो भी मोहतरमा मिलती है बोलती है कि मेरा दिल खो गया। ये पहली मोहतरमा है जिन्होंने कहा कि मेरा पर्स खो गया। ओह गॉड, कैसा है ये बंधन अंजाना। हेलो, ऐसे गौर से क्या देख रही हैं आप? आपके कोई बड़े भाई भी हैं? ऐसी कोई झंझट हमने पाली ही नहीं, इसीलिए इतना खुश हैं हम। पर आप उसके जैसे ही दिखते हैं। किसके जैसा? वो मास्टर कृष्णा। हाँ, भैरवी कॉलेज का डांस मास्टर मेरे जैसा लगता होगा, ये बंशी ने बताया होगा। आपने भी देखा क्या? हाँ, मेरे जैसा खूबसूरत और हुनरबाज भी है ना। स्टाइलिश, उसका स्टाइल, उसकी स्माइल, उसका लुक, उसका वॉक, उसका सब कुछ अलग है। और वो तुमसे नहीं होगा भाई। पूरा चल गया। कल्याणी, कल्याणी। हाँ, जल्दी इधर आओ कल्याणी। कल्याणी, ये देखो तुम्हारा हुनरबाज हीरो, ये देखो। हाँ, हाँ, ये जो डांस कर रहा है यही है वो बाला। बाला, हाँ? क्या तुम ऐसे डांस कर सकते हो? सितार बजाने को कहो, गिटार बजाने को कहो, तो मैं आराम से बजा दूंगा। वो डांस करता है तो मैं सिंगर हूँ, जिसे जो काम आता है वो उसके लिए आसान होता है। लेकिन उसका डांस देखकर तुम्हारे दिल में घंटियां बजने लगी होंगी। हाँ? घंटियां मतलब? कृष्णा कृष्णा कहोगी और उसके बारे में सोचोगी, उसका डांस देखकर वो भी सीखने के बारे में सोचोगी, इस कॉलेज को छोड़कर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगी। स्टॉप स्टॉप, बस बहुत हो गया। मैं चौधरी साहब की बेटी हूँ, उन्हें यह पता चल गया तो मुझे उस कॉलेज में नहीं जाने देंगे। मतलब जाने के बारे में सोच लिया है तुमने? हाँ। हाँ? लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? अरे ये बोलने की क्या जरूरत है कि तुम चौधरी की बेटी हो, सच को छुपा दो और कॉलेज में एडमिशन ले लो। पिताजी को पता चल गया तो? पता चलेगा तब देखा जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बता कर करनी चाहिए, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो करने के बाद बताई जाती हैं। और हम जिसका ख्वाब देखते हैं उसके लिए थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर डालो। गुरुजी, अब तक आपके साथ रहकर आपको बहुत शौक दिए हैं, और अब आपकी बेटी को एक जोर का झटका दे रहा हूं। ये कृष्णा डांस मास्टर तो लाजवाब है। एक्सक्यूज मी। यस मैडम चेंबा, वो उस तरफ है। थैंक यू, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग।
तशरीफ रखिए ना। हाँ हम बैठते हैं। शुक्रिया, तुम बैठो। आप क्या सोच रही हैं मैडम? हाँ, कितने स्टूडेंट्स यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हम कभी इतने इमोशनल नहीं हुए, और तुम्हें देखकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। मैं नरेश चंद्रन की बेटी हूँ, ये सुनकर आप खुश नहीं, आपके होश उड़ जाएंगे। तुम नरेश चंद्रन की बेटी हो, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। हेलो मैडम। क्या हो गया? तुम्हारा नाम? कल्याणी। कल्याणी, अच्छा नाम है। तो यही नाम रखा है तुम्हारे पापा ने? तुम्हें हमारे ही कॉलेज में क्यों एडमिशन चाहिए? मैंने टीवी पर आपका साक्षात्कार देखा है मैडम। अच्छा? हाँ मैडम। हमारा इंटरव्यू? ओहो, दस्तखत कर दीजिए। क्या तुम लेफ्टी हो? हाँ, यस मैडम। हम भी लेफ्टी हैं। यस मैडम। कल्याणी को ले जाइए और मास्टर जी से मिलवा दीजिए। चलिए मैडम। शुक्रिया मैडम। यस। हाथ की चूड़ियां, कान की बालियां, बालों के बक्कल, सब सामान अच्छी तरह से हैं, ये सब देख लो, वरना उस दिन की तरह आज भी झूठा इल्जाम लगाओगी मुझ पे। ये लड़की आपके पास डांस सीखने के लिए आई हुई है। मैडम ने स्पेशली इनको आपसे डांस सीखे खातिर भेजे हैं। अब कोनो चांस नहीं, जीप की जगह बटन है। अंडरलाइन के लिए अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी होता है। अभी जाइए, कल आइएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कल्याणी, 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 क्या हुआ बेटी? डैडी, डैडी तो ठीक है, पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डांस? हाँ, वो डांस। अगर हमारे कॉलेज में भी डांस क्लासेस होती तो कितना अच्छा होता ना डैडी। बस यही सोच रही थी मैं। अभी तक तो लगता था कि मेरी बेटी को सिर्फ मेरी चिंता है, पर मेरी बेटी तो मेरे मन की बात भी समझ जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, यहाँ डांस चालू करवा के वहां पर बंद करवा दो। हेलो, सब कुछ इत्मीनान से हो गया ना? बड़े झटके से छोटा सा सक्सेस। क्या बोल रहा है तुम्हारा कृष्ण? फिर से डांस। उसका पांव लगाओ और मैं सीधे उसके ऊपर। इसे कहते हैं मोहब्बत में गिरना। लव? यस। अगर विश्वास नहीं है तो हाथ का योगा कर लेना। हाथ का योगा? हाँ जी, रात को सोते समय दोनों हाथ ऐसे जोड़कर गाल के नीचे राइट में रख कर सो जाना, और उसके बाद 108 बार कृष्णा कृष्णा जपना। हाथ में पसीना आ जाए तो समझ लेना प्यार हो गया। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं का मतलब
जरूर करोगी। रात को सोते समय दोनों हाथ ऐसे जोड़कर गाल के नीचे राइट में रख कर सो जाना और उसके बाद 108 बार कृष्णा कृष्णा जपना। हाथ में पसीना आ जाए तो समझ लेना प्यार हो गया। हाँ सच में पसीना पसीना हो गया। मतलब प्यार हो गया जी। नहीं नहीं हुआ। हो गया हो गया हो गया। अगर प्यार नहीं होता तो हाथ में पसीना कैसे आता? शरीर में पसीना नहीं आया ना, मतलब तुम्हारे हाथ में प्यार की रेखा है। अब देर मत करना, सीधा कृष्णा से प्यार कर लो। यस, तुम्हारे प्यार के कारण कृष्णा भी यहाँ आ गया है। म्यूजिक और डांस एक ही कॉलेज में रहेगा, तब हमारा कॉलेज टॉप और वो कॉलेज फ्लॉप। अरे सुनिए, जिस्म यहाँ है और मन कहीं और, आंखें कुछ बोलती हैं और दिल कुछ और बोल रहा है। एक बार हो तो ठीक है, लेकिन बार बार होना खतरनाक है। अगर अपने आप को नहीं संभालोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। चलिए मोहतरमा लोग, शुरू हो जाइए। लेट्स रॉक। मन चला हम मन चला बस और न कहीं हमरा तू ता हमरी जान। मन चला हम मन चला बस और न कहीं हमरा तू ता हमरी जान। तरारा तारा हे जे तू कहबू प्यार के हमरा कर ल कबूल। मन चला बात काहे माने ना तू ता बड़ा मन चला। तू तो मन चला मन चला मन चला बात काहे माने ना तू तो बड़ा मन चला। मन चला मन चला मन चला मन चला निछावर ओ हमरी जा। दिल फूल जैसन कर दी हम तो पे निछावर ओ हमरी जा। छोड़ी बहाना बन के दीवाना दिल में तू आ जाना। ओ दिलदार तू ही बस प्यार तू ही अब ना तू पछताना। ऐसी बात है हमरी तरह खुश कर दिए हम बात ऐसी ही है। मन चला बस और न कहीं हमरा तू ता हमरी जान। मन चला बात काहे माने ना तू तो बड़ा मन चला। मन चला
झुकाई ना हमसे ना इतना शर्मा रब से हम मांगी तो राजा ने मन दूर न जा देती मुश्किल है तोहरा से दूर रहल अब सुन लिए सजना मुश्किल है तोहरा से दूर रहल अब सुन लिए सजना आ जा पाह में दूर न रह जाई बात तेरी मानूंगी मैं छोड़ के जानाना मन चला बस और न कहीं हमरा तू ता हमरी जा मन चला बात काहे मानना तू तो बड़ा मन चला तू तो मन चला तारा तारा हे प्यार को तूने मेरे कर लिया कबूल हे ओ जानम बाला बाला एक मिनट कहिए क्या बात क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा पर सही टाइम पर हो गया क्या हो गया मुझे कृष्णा से प्यार हो गया है पर मैंने अब तक उसे बताया नहीं तो वक्त क्यों लगा रही हो बोल दो ना मुझे डर लगता है यही कदम गलत उठाया देखिए जी प्यार होने से पहले प्यार गवर्नमेंट की जमीन की तरह होता है कोई भी बैठ सकता है पता है ना कॉलेज में मोहतरमा लोग डाका डालने में एक्सपर्ट होती हैं उनसे पहले आप बोल दीजिए अगर देर हो गई ना तो चादर फाड़ कर उसे ओढ़ना पड़ेगा देवदास की तरह जल्दी से जाके दिल की बात बोल दीजिए हे झूमो जरा नाचो नाचो जरा अरे झूमो नाचो गाओ शादी बनाओ ये क्या दरवाजा खुला है झूमो जरा झूमो नाचो जरा अरे शादी बनाने को कैस्टो चला क्या बात है अरे झूमो जरा नाचो जरा कौन आप अंदर कैसे आई आपके लिए मेरे लिए वाह लव मोहब्बत किससे क्या कहा मुझसे बाप रे हम दोनों अंदर और दरवाजा बंद पता नहीं कौन होगा क्या सोचेगा अरे अब हम क्या करें सोचो जरा जल्दी सोचो अरे चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहो हाँ क्या बात है भूषण हॉट वाटर प्रॉब्लम नो इस बार कोल्ड वाटर प्रॉब्लम है ठीक है जाओ 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 अरे बाप रे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है कौन कहाँ है मोतरबा ये लड़की अरे कहाँ अरे पीछे लड़की खड़ा करके कौन लड़की बोल रहा है जरा आंखें खोल करके देख तूने नशा कर रखा है क्या अरे बाबा सामने लड़की खड़ी है और बोल रहा है लड़की कहाँ है या तो तू पागल है या तो मैं अपनी शक्ल देख यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई अभी भी कहता है कोई नहीं है मतलब तेरी दोनों आंखों की पुतलियाँ उल्टी हो गई हैं यू ब्रेन डैमेज नोबडी हियर गो एक्सक्यूज मी साइड साइड चले गए एक मील दौड़ने के बाद डॉल पे बैठने का मजा ही कुछ और है जो करेगा उसी को पता चलेगा सही कहा जना एक बात हमें और समझ में नहीं आती है वो क्या आपकी बेटी क्या हुआ उसका जनाब हर बिन ब्याही लड़की शादी से पहले अपना दिल कहीं भी फेंक के आ सकती है ये बात सचमुच बहुत डेंजर है और ये सब होने से पहले ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करना ये आपका फर्ज है जनाब बाला तुम सच में समझदार हो इस मामले में मैं बिल्कुल नालायक गैर जिम्मेदार और एकदम कामचोर सन्यासी आवारा निकम्मा नकारा आलसी और निखट्टू सन्यासी आवारा बेबस लोफर लफंगा और एकदम निकम्मा रुक रुक रुक
अरे मैंने एक बार अपने आप को नालायक क्या बोल दिया, तू तो मुझे एक से एक बड़ी गालियों से नवाजने लगा। नहीं जनाब, मैं ये सब आपको नहीं कह रहा था, हम कह रहे थे आप ऐसे नहीं हैं। खामोश रहो, पता है मुझे कल्याणी के लिए एक शोहर ढूंढना मेरा फर्ज है। हाँ, कुछ ज्यादा ही तो नहीं डांट दिया इसको। भैया कैसी हो बहन? अच्छा है सर। तुम लोग यहाँ? ये बीच हम लोग दिल्ली सेटल हुए, बच्चे होने पर हमारी मन्नत पूरी हो गई, इसीलिए हम मंदिर आए हैं सर। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले को देख लिया, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मुन्नी का नाम क्या है? श्रद्धा नाम है। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तुम्हें कितना ढूंढा मैंने। आज अक्षय तृतीया है, सोना मांगने नहीं गया था, आप जैसे दिलवालों के लिए खुशी मांगने गया था। ये लीजिए प्रसाद, लीजिए 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 लीजिए। शुक्रिया बाला, यू आर सो ग्रेट। बाला की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुम मंदिर क्यों गए थे? क्या है ना सर, कल्याणी की शादी अच्छे से हो जाए इसलिए प्रार्थना करने गया था। आप लोग तो बस मुझे ऐसे ही ग्रेट कहते हैं। बाला सर, हमारी बेटी की तुम्हें कितनी फिकर रहती है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढने के बारे में सलाह देते हो और मंदिर में जाकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हो। तुम मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हो बाला। मेरे लिए लड़का देखने के लिए डैडी से तुमने कहा? हाँ बिल्कुल बेटी, और मैंने देखा भी है। अच्छा बालो चलो आओ, कुछ काम है। ये डॉक्टर अरुण है, कैलिफोर्निया में रहते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुपर। करीबी रिश्तेदार है। सुपर। ये दांतों का डॉक्टर है, इसकी दिली ख्वाहिश है मेरी बेटी से शादी की। सुपर। क्या सुपर सुपर किए जा रहे हो तुम? मेरी बेटी कल्याणी है, कोई पांच चाली नहीं है। जनाब डेंटल ठीक रहेगा, वो डेंटल और आप मेंटल। सेंटीमेंटल। तब तो इन्हीं में से एक चुनना होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ जो तुम समझती हो वही मैं अपने आप को समझता हूँ। बस करो, बस जी जी करना आता है। कृष्णा से मिलने का रास्ता तुमने दिखाया, कृष्णा के पास डांस करने के लिए तुमने मुझे भेजा, भैरवी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सलाह तुमने दी, कृष्णा को लव करने के लिए तुमने कहा, तुमने डुएट गाना गवाया हमसे, तुमने मुझे उसे पाने की उम्मीद दी, उनके करीब जाने को कहा, उसे आई लव यू कहने को कहा। तुम्हारी वजह से मैं उसके प्यार में पागल हो गई। अब कृष्णा से मेरी शादी कराने की बजाय मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हो? ये क्या डबल गेम है? क्या डबल गेम बबल गेम? मैंने तुमसे उसी दिन कहा था तुम प्यार करती जाओ और मेरा खेल देखती जाओ। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, ये तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। तुम्हारी लव स्टोरी लिखने में इस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की है। हेल्प? हाँ जी, तुमने जब प्यार किया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार सामने तो आना चाहिए ना, और वही काम मैंने किया है। अब तुम एक काम करो, अपने पिताजी के सामने जाकर अपने पवित्र प्रेम की पूरी किताब खोल डालो, अभी उनका ब्लड प्रेशर शुगर लेवल सब ठीक हो जाएगा। पर्दा उठा के असली ड्रामा दिखाने का यही सही वक्त है। अरे जाओ भी। देखो क्या होता है। क्या तुम्हें किसी से इश्क है? किससे इश्क है? दिल्ली गई थी, वहां हुआ था क्या? नहीं अब्बू, यहाँ। यहाँ किससे? वो अब्बू मास्टर टीचर। हाँ अब्बू, भैरवी कॉलेज में जो डांस मास्टर है ना कृष्णा, मैं उसी से प्यार। इतना बड़ा धोखा, मेरे कॉलेज में संगीत पढ़ाते पढ़ाते तू मेरी बेटी को इश्क सिखाने लगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मास्टर होते, पर प्यार के लिए मन मास्टर होता है जनाब। खामोश, हमसे कहता है बेटी के लिए लड़का देख, उसकी शादी करो, दूसरी तरफ उससे इश्क लड़ाता है। सरासर धोखा किया मेरे साथ, शराफत का नाजायज फायदा उठाया। जनाब आप पूरा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्या कल्याणी ने कभी आपसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है? उसने खुद कबूल किया है कि वो टीचर से इश्क करती है। तो क्या मास्टर मैं अकेला ही हूँ? अरे जिस मास्टर से वो प्यार करती है वो मैं नहीं हूँ, वो एक डांस मास्टर है। डांस टीचर? कौन सा डांस टीचर? भैरवी कॉलेज का डांस मास्टर कृष्णा।
वो यहाँ पर कैसे आया? वो यहाँ नहीं आया था, कल्याणी वहाँ गई थी। कल्याणी वहाँ पर गई थी? किस लिए? और किस लिए? प्यार का पाठ पढ़ने के लिए, चीची डांस का पाठ पढ़ने के लिए। कल्याणी भैरवी कॉलेज में डांस सीखने गई? हमारे कॉलेज में क्या डांस की क्लासेस नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे अगर आपको वहाँ के चेयरमैन से कुछ प्रॉब्लम है तो क्या मैं वहाँ के मास्टर से प्यार नहीं कर सकती? कृष्णा उनका रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा है। तुम खामोश रहो, हमने हमेशा कोशिश की कि तुम वहाँ का रुख ना करो। और तुम्हें क्या वही कॉलेज मिला था? तुमने हमें हमारी नजरों से ही गिरा दिया, हमारी खातिर तुम्हें अपने प्यार को भूलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। अगर आपने मेरी शादी कृष्णा के अलावा किसी और से करवाने की कोशिश की ना डैडी, तो मेरी लाश देखेंगे। आप चाहे तो मुझे जान से मार डालिए, लेकिन कृष्णा ही मेरा पति होगा, कृष्णा ही मेरा पति होगा, कृष्णा ही मेरा पति होगा, कृष्णा ही मेरा पति होगा। जनाब आप अपनी दुश्मनी के चक्कर में कल्याणी की जिंदगी से मत खेलिए, प्लीज एक बार कृष्णा से बात तो करिए। क्या कहा? हम उस कॉलेज में जाएंगे? नामुमकिन। उस रास्ते से बचने के लिए 15 किलोमीटर दूर का रास्ता चलकर जाता हूँ मैं, और मैं वहाँ जाऊँ? आखिर ये कैसी जिद है जनाब? भैरवी कॉलेज की चेयरमैन चामुंडेश्वरी मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के लिए उस कॉलेज को चलाने के लिए आई। जनाब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चामुंडेश्वरी की असलियत तुम्हें नहीं पता, अपने थोड़े से मुनाफे के लिए वो किसी का कत्ल भी करवा सकती है। चामुंडेश्वरी की असलियत जानना चाहते हो? मेरी बीवी है वो। सालों पहले हमारा तलाक हो गया था। जब तलाक हुआ था तो कल्याणी की उम्र थी सिर्फ 2 साल। गुरूर की मिसाल है चामुंडेश्वरी। उसके गुरूर ने ही हमारे घर को खाक कर दिया, एक शरीफ खानदान को कोर्ट तक पहुंचा दिया उसने। तलाक के बाद फैसला हुआ बड़ी बेटी को वो और छोटी बेटी को मैं पालूंगा। अगर मैंने छोटी को भी खो दिया तो मेरे जीने का क्या मकसद रह जाएगा? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अपनी बेटी को जीते जी मौत के मुंह में धकेल दो। जनाब आप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं सौंप रहे हैं, कृष्णा के हाथ में सौंप रहे हैं। हिम्मत करके जाइए जनाब। सर आपकी बेटी रूम में सारा सामान तोड़ फोड़ रही है, अरे पागलों जैसी हरकत कर रही है, मुझे डर लग रहा है सर। आप चलिए सर, चलिए। मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। नहीं कल्याणी, अपने आप को संभालो। कल्याणी कल्याणी ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। कृष्णा चाहिए। कल्याणी मुझे कृष्णा चाहिए। दरवाजा खोलो बेटी। कृष्णा मुझे कृष्णा। कल्याणी अपना गुस्सा थूक दो। मुझे कृष्णा चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कल्याणी उसको छोटा सीधा मत करना। मुझे कृष्णा चाहिए। कृष्णा रुक जाओ। कल्याणी अरे सुनो तो सही। अरे क्या कर रही हो बेटी? अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरी शादी कृष्णा से करवानी होगी। जाइए कृष्णा को लेके आइए, जाइए। मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। कृष्णा बाला 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 सर। बाला सर चले गए। क्या वो चला गया? हाँ। पर कहाँ गया? पता नहीं, आपकी खातिर लेटर छोड़ के चला गया। माफ कर दीजिए जनाब, आपकी बेटी को भड़का कर कॉलेज में भेजा मैंने। कृष्णा के प्रति उसके दिल में प्यार जगाया हमने, उसे प्यार करने पर मजबूर किया हमने। ये सब मैंने क्यों किया ये अगर आपको जानना है तो आप जाकर के चामुंडेश्वरी से मिलिए।
यहाँ कैसे आना हुआ सर? चामुंडेश्वरी कहाँ है? आइए आइए सर आइए, अंदर जाइए सर जाइए। आखिर बुला ही लिया ना। Yes. पहले हमारी बेटी को और अब हमको। यही है चामुंडेश्वरी। बड़ी मुद्दत के बाद तुमको देख रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती वैसी की वैसी है और तुम्हारा गुरूर भी हमेशा ऐसे ही रहेगी, घमंड और खूबसूरती के साथ। बोलिए किस लिए आए हैं? मैं, हमारी बेटी ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, उसे तुमने इश्क की इबारत सिखा दी। जिस कल्याणी में हमारी जान बसती थी उस कल्याणी को यहाँ बुलाकर तुमने हमसे जुदा करने की कोशिश की, उस डांस टीचर के इश्क के जाल में फंसाया है तुमने। कल्याणी कृष्णा से मोहब्बत करती है? तुमसे और हमसे भी ज्यादा, वो कृष्णा को पाने के लिए पागल है। तुम कभी माँ बनकर उसके दिल के करीब नहीं आ पाई और अब उसके बाप को भी दूर कर दिया। कृष्णा कल्याणी को चाहती है। कल्याणी को कृष्णा नहीं मिला तो वो खुदकुशी भी कर सकती है, इसलिए कृष्णा से बात करके मेरी बेटी को जीवन की राह दिखाओ। मेरी दुश्मनी का बदला तुम मेरी बेटी से मत लो प्लीज। कृष्णा और कल्याणी की शादी करवा दो। की नजर में कृष्णा होगा, कल्याणी की नजर में उसकी मोहब्बत, पर मेरी नजर में तनख्वाह लेकर काम करने वाला मामूली डांस मास्टर, जो हम कहेंगे वही करेगा। नो, ये नहीं हो सकता। चामुंडेश्वरी की बेटी की शादी कृष्णा से ही होगी, ये हमारा फैसला है। कृष्णा, ये तो बाला का आमचक्ल लगता है। ये है कृष्णा, हमारे कॉलेज में एक डांस मास्टर। हेलो, सुनिए मोहतरमा, छोटा सा चेंज है। जो काम करता है वो कृष्णा नहीं है, जो काम करता था वो कृष्णा है। मतलब? वो क्या है ना चामुंडेश्वरी देवी जी, जिस काम के लिए आया था मेरा वो काम हो गया। अब मैं तशरीफ ले जा रहा हूँ, इस पल से आपसे और आपके कॉलेज से गुड बाय। डांस मास्टर का फर्ज निभाया, ओके फाइन, पर एक फर्ज अभी बाकी है, मेरी बेटी के पति होने का। होने वाला पति? वो भी आपकी बेटी का? वो मोहतरमा कौन है भाई? कल्याणी। कल्याणी? आपकी बेटी है? यस, ये कल्याणी के पिता हैं। अच्छा, तो ये आपके शौहर हैं? चेयरमैन ऑफ कल्याणी म्यूजिक कॉलेज। सी मिस्टर चेयरमैन, आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ ये किसने बताया? हमें हमारी बेटी ने बताया। तुम उसे ठुकरा दोगे तो वो खुदकुशी कर लेगी, प्लीज मान जाओ। मिन्नतें मत कीजिए मिस्टर कृष्णा, तुम्हें कल्याणी से शादी करनी ही होगी। सॉरी मैडम, आपकी बेटी की तरह न जाने कितनी मोहतरमाएं मुझसे प्यार करती हैं, पर मैंने किसी से प्यार नहीं किया। अगर मैं सबसे प्यार करने लगा तो वोटों की गिनती की तरह प्रेमिकाएं हो जाएंगी मेरी। मैं आपकी कल्याणी से प्यार नहीं करता। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें हमारी बेटी से इश्क है, इसका गवाह है हमारा टीचर बाला। बाला? Who is he? हमारा संगीत टीचर। हेलो, मैं कृष्ण, कृष्णा सरला सुब्रमण्यम। अगर मैंने कल्याणी से प्यार किया है तो बाला से कहो कि मेरे सामने आके बोले। उस बाला को बॉल की तरह, बॉल बॉल की तरह खेलूंगा मैं। कहाँ है वो? जाओ जाओ बुलाओ उसे। वो चला गया। कहाँ चला गया, क्यों गया, ये किसी को पता नहीं। जनाब, क्या बात कर रहे हैं जनाब, क्या मैं आपको छोड़कर जा सकता हूँ जनाब? ये बाला भागने वालों को पकड़ने वाला है, भागने वालों में से नहीं है जनाब। यही है हमारा बाला। ये है बाला? हाँ, हमको लगा था ये उसका हमशक्ल है, पर इसका तो लहजा भी वैसा ही है।
नो मैडम, आई एम 100% क्रिश, कृष्णा, कृष्ण सरला सुब्रमण्य। मैं डांस करने वाला हूँ, गाना गाने वाला नहीं हूँ। He is confused. No, हम confused नहीं है जनाब। इसका मतलब आपको हमारे बारे में नहीं पता है, गाने वाले को रात के बारे में नहीं पता है, ऐसा लगता है जनाब। यही है, यही बाला है। Oh God, ये क्या ड्रामा है? Who is बाला, who is कृष्णा? अम्मा बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। God, मैडम, ये कृष्णा आपके सामने खड़ा है ना, कृष्णा को कृष्णा ना समझना बेवकूफी है। No, तुम ही बाला हो और यहाँ कृष्णा का भेष बना करके हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हो। बोलो, who are you? तुम डांस मास्टर हो या संगीत मास्टर हो? इधर डांस मेरा, उधर गाना मेरा। उधर बाला बनकर संगीत सिखाने वाला मास्टर मैं ही हूँ और कृष्णा बनकर डांस सिखाने वाला मास्टर मैं ही हूँ। कल्याणी को प्यार की तरफ ढकेलने वाला मैं ही हूँ और प्यार से अपनी तरफ खींचने वाला भी मैं ही हूँ। बस बस खामोश रह, चुप। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? वहाँ बाला, यहाँ कृष्णा, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो तुम, बताओ? तुम लोग मुझे बाला और कृष्णा की हैसियत से देख रहे हो, पर हम दोनों के अलावा एक और व्यक्ति भी है। जानना चाहोगे वो कौन है? हमारा हॉस्टल, ये हॉस्टल के वार्डन हैं। हेलो, हेलो, हाय। और ये भैरवी, हाय। संध्या, हाय। और ये सब मेरे फ्रेंड। भैरवी, वो देखो, आगरा कॉलोनी। ए, ये नरसिम्हा कहाँ है? बता कहाँ है वो आराम को नरसिम्हा? उसने हमारे सीनियर साहब के दूसरे बेगम की दोनों टांगे और नो एंट्री का बोर्ड तोड़ के भाग गया, बता कहाँ है वो? सरलमा, सरलमा, चुप रहे, गधे की तरह कहाँ चिल्लाता है? वो पुलिस आई है नरसिम्हा को पकड़ने के लिए, वो नहीं मिली तो उसके बेगम को पकड़ के ले जा रही है। इसकी ऐसी की तैसी, अब भी देखती हूँ कैसे ले जाएगा। और जगह तलाश कर लिया, नहीं मिला। मोबाइल के घंटी बजाता, जवाब ना दे पा। अच्छा, तो नो रिप्लाई, मतलब वो अड्डे पर बैठा है। बाल्या, बाल्या, वो देखो, वो बाला जिसके बारे में बताया था। अरे अरे, लाओ ना, धीरे धीरे, जरा संभाल के। हाँ, नीचे उतारो, उतारो, उतारो। अरे, ये तो ऐसे सोया है जैसे भांग खाकर सोया हो। सो रहे हो बेटा? तुम लोग को दिखता नहीं है वो सो रहा है? सो रहा है मेरा बेटा, हाँ? तुम सो रहे हो बेटा? एक मिनट, एक मिनट। अगर हमारे अब्बू ने गलती की है तो आप हमारी अब्बू को। ये पुलिस का रूल है, अगर पति गलती करे तो बेगम को, और अगर बेटा गलती करे तो बाप को पकड़ के ले जाती है। उठ गया। क्या बाले यार, कल जम के पी क्या? अरे अरे अरे, रात को जो पी थी वो चढ़ी नहीं, सुबह जो पी थी वो अभी उतर गई। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, सर में बाम लगा दें का? अचार मंगाऊं क्या? हट, तुम जैसे गधे लोग की वजह से हम लोग के सर में दर्द होता है, उसकी बस एक ही दवा है और वो है ये। हैंगओवर का पैक है। क्या रे, प्यासे बेवड़ा की तरह क्या देख रहा है? पुलिस वाले हमारी बेगम और बच्चे को। बाल्या, जाओ पुलिस वालों को अपना ब्रेक दिखा दो। अरे ब्रेक क्या, अभी क्लच दबा के गियर में डाल के एक्सीलेटर दबाता हूँ, फिर देखना। ओके, चल रे, छोड़ दो, गाड़ी में डाल इसको। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, छोड़ दो। Oh!
अब देखो। अरे अंधी है क्या? आप तो कह रही थी ये सुपर पॉप सिंगर है, टॉप के डांसर है, ये तो हमें कोई मवाली लगते हैं। लोफर, बदतमीज कहीं के। भैरवी, बाला के बारे में सब कुछ कोर्ट में पता चलेगा। हाँ ठहरो ठहरो, यही ठहरो। बैक बैक, आप ठीक है? योर ऑनर, ये नरसिम्हा है। इसने रात को शराब पीकर अपनी साइकिल से सर्कल इंस्पेक्टर की पत्नी भाटिया, दूसरी 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 पत्नी कलेक्टर सर। चुप बैठो। रात को शराब के नशे में धुत तुम ही साइकिल चला रहे थे ना? हाँ, पी के साइकिल चला रहा था। सर्कल इंस्पेक्टर की पत्नी को ठोका? हाँ, मैंने ही ठोका था। और नो एंट्री का बोर्ड तोड़कर भागने वाले वहाँ से तुम ही थे ना? पी के। अरे क्या पका रहे तू? चढ़ी हुई उतर जाएगी। देख लिया, मेरा बेटा तो शेर है। जनाब, बिना मतलब के बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो सजा सुनानी है सुना दीजिए। ज्यादा बात करने की सजा क्या है तुमको पता है? जनाब, कौन सा जुर्म करने पे कौन सी सजा लगती अच्छा? है मुझे सब पता है। अगर खून करते हैं तो आईपीसी 302 के तहत, हत्या करने की कोशिश करते हैं तो 306, अगर रेप करते हैं तो 376, और अगर चीट करते हैं तो 420, अगर पब्लिक प्लेस में हंगामा करते हैं तो पब्लिक न्यूसेंस 160A, 294B, अगर पीकर भगते हैं तो 41J, कोर्ट में ज्यादा बोलने से भी सजा मिलती है। अभी मेरे केस में सारी सजा मिलाकर कम से कम 50 दिन की सजा मिलेगी, 3000 से भी ज्यादा फाइन लगेगा। कल तक तो 2500 था, अभी थोड़ा बढ़ गया। कहना महंगाई बढ़ गई है ना इसी। अरे सर, उस किताब में देखने से कोई फायदा नहीं, वो पुरानी किताब है, नए रेट की किताब अभी तक मार्केट में आई नहीं है। इंडियन पिनल कोड को पूरा रट लिया है हमने, मुंह जबानी है मुझे। देखा, अब जस्टिस चौधरी का मुंह बंद हो गया। ए जनाब, इधर आइए। अरे जूनियर डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट जानता है कि बीमारी क्या है, उसी तरह से जूनियर जज से ज्यादा ये सीनियर कैदी जानता है। कटघरे में खड़े मुजरिम बाला को 2 महीने की सजा सुनाई जाती है। खाली 2 महीने की सजा। चलो बाला, साइकिल चला कर टक्कर मैंने मारी, 1 हफ्ते बाद लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आने वाले हैं। उसकी इज्जत तुमने बचा ली, मेरे लिए पुलिस से पंगा लेके तुमने मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं। बेटा, हम कितना भी जन्म ले ले तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, ये एहसान भाई कौन है ये हम नहीं जानते, हम तो अपनी माँ को जानते हैं। ओके। अरे चलो रे। देख लिया बाल्या को? हमारा राजा बेटा क्यों रो रहा है? हमके दादाजी के याद आ रही है, हमें उनके देखना है। ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, दादाजी को देखना है तो उनको बुलाकर देख लो बेटा। अरे हम कैसे बुलाएं? कहाँ गए वो? अरे वो मर चुके हैं। अरे मर गए क्या? कैसे मौत हुई उनकी? अरे वही एक नीच आदमी ने हमारे दादाजी को मार डाला। मार डाला? कौन है वो? मैं उसे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। कौन है वो? उन्हीं आदमी हम हैं। तूने बोला दादाजी की याद आ रही है, मुझे उनको देखना है। खुद भी रो रहा था और मुझे भी रुला दिया, तेरी तो आज मैं तुझे सुधा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे एक सजा तो इसे मिल गई है, ये तू दूसरी देने वाला कौन है? जेल में नया आया इसलिए ऐसी बात कर रहा है तू? जेल के एक एक आदमी से मेरे बारे में पूछ ले। पहले हाफ में सीधा साधा धिंता ता तिता तता धिंता ता ता, सेकंड हाफ में विक्रम विक्रम राठौर। क्या सब हाफ ही है, पूरा खम्बा नहीं है? बहुत बोलता है, मेरे बारे में जान जाएगा तो बुने हाथ छोड़। नहीं छोड़ा तो क्या उखड़ेगा? अत्ता माजी सटक ली, हाथ छोड़। क्या करेगा तू? तू नहीं जानता मैं क्या कर लूंगा। अरे क्या कर लेगा बताना। अरे क्या करूंगा ये मुझे नहीं पता। धिंता ता, अरे मेरा हाथ कहाँ गया? मेरा हाथ उखाड़ लिया उसने मेरा। तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? हमरे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था, 4 दिन में जिंदगी जहन्नुम बन गई। यहाँ पर हमके बेचैनी होते है, हमके यहाँ से निकाल के सीधा तिहाड़ जेल में शिफ्ट करो। सारे मिनिस्टरों को राजीनामा देने के लिए कह दो, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे और सबको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। हम अपनी ताकत दिखाएंगे। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जनाब इतनी भी जल्दबाजी मत करो,
तुम्हारा सारा प्रॉब्लम बड़े भाई जान को पता है। जनाब दो दिन इंतजार करो, इस जेल से तिहाड़ जेल में भेजने का इंतजाम हम करेंगे। इस जेल में तू ही बादशाह है, जलवा दिखा। यहाँ जितना दंगा फसाद करना है कर ले, तब शिफ्ट होगा। ये मुंह बंद, ये देख बाला का होटल। सरलांटी भैरवी आपसे मिलने आई हैं। हमें आपसे बात करनी है। आओ अंदर बैठो। हम इस गांव में सिर्फ आपकी कॉलोनी देखने आए हैं। क्या हमारी कॉलोनी के लिए? हमें पता चला है आपकी कॉलोनी में हमेशा नाच गाना होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, और यहाँ के हीरो आपके बेटे बाला हैं। मेरा बेटा बाल्या बाल कृष्ण की तरह है। ये कॉलोनी उसके लिए वृंदावन है और यहाँ के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा बाल्या जहाँ जाएगा वहाँ खुशियाँ ही होंगी। पर आपके बेटे की कुछ बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहाँ पर बुराई होती है वो अच्छे बन जाते हैं, और जहाँ पर अच्छाई होती है वो फिर से बुरे इंसान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी आदत है बेटी। आदत है? हाँ बेटी, मैं जब मौसी के मास्टर बाल मूर्ति कृष्ण के पास उनके घर में खाना बनाने जाती थी, तभी बाल्या बचपन से उनका संगीत सुनता था, और वही सब सुनकर बाल्या अच्छा संगीत मास्टर बन गया। हाँ बेटी, और फिर मैं नर्तकी शिरोमणि के पास चली गई, तो वहाँ उसने डांस भी सीख लिया, और उसे खुद ही पता नहीं चला नाचने गाने की तालीम कब ले ली। और बाला कृष्ण मूर्ति ने बाल्या को पूरी तालीम दी, और फिर बाद में बाल श्री कृष्ण मूर्ति ने बाल्या की जन्म कुंडली भी बनाई। जन्म कुंडली में जो जो लिखा था वो सब कुछ होते जा रहा है। आज बाल्या को किसी भी चीज की कमी नहीं है। बाल्या को तो अन्याय से बहुत ही नफरत है, गरीबों का दाता है, और मैं तो उसकी जान हूँ। जब आपके बेटे आपको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप उन्हें शराब छोड़ने को ये पीने की आदत उसे अभी अभी पड़ी है बेटी, और अपने आप ही छूट जाएगी, ऐसा उसके जन्म कुंडली में ही लिखा है। मेरे बेटे की तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी भविष्यवाणी है, बहुत बड़ा इंसान बनेगा, उसकी जन्म कुंडली में राजयोग है। इस जेल में तू ही बादशाह है, जलवा दिखा। यहाँ जितना दंगा फसाद करना है कर ले, तब शिफ्ट होगा। चल इधर आ, हमारी बटन लगा। ससुरा बटन लगाना नहीं आता। चलो धारा। ए, ये कहाँ है? क्या रे, तूने कैदियों के खाने में मिट्टी क्यों डाली?
बाला बाला इधर आओ। तुमने राजा गुंडे को सबक सिखाकर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सरकार ने तुम्हारी सजा माफ कर दी। इसी एक तारीख को तुम्हें रिहा किया जाएगा, वो भी अरे जनाब 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 रुकिए रुकिए रुकिए, मैं भी एक तारीख को रिलीज हो रहा हूँ, लेकिन इस साल नहीं अगली साल की एक तारीख को। बाहर आपसे कहाँ मिलूंगा, उसका एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं? मैं मुल्क का पीएम हूँ और तू दूसरे मुल्क का, हम आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क के मसलों का सलूशन निकालेंगे। चल इधर आ। क्या कभी कुछ हो जाए तना घबरैया सबके देख लेब हम, कभी कुछ हो जाए तना घबरैया सबके देख लेब हम, जी कुछ भी मिला मेहनत से मिला अपना कोनो पागम। धूप न घटी अब छाव न हटी सब हमरा दिल रुबा है, बचपन की वो दिन कितना रंगीन क्यों पता दे कहाँ है, जे चाहे जहाँ जाए अब क्यों भी न रोके है, वालन के ही बदस्तूर ला तू सब प्यार बा भरपूर ममता के मूरत बा। कभी कुछ हो जाए तना घबरैया सबके देख लेब हम, रंग लाई अब ताकत अपन खून पसीने की, जे कुछ भी मिला मेहनत से मिला अपना कोनो पागम। करा सब इहे रिवाज यहाँ के, ए धरती पे प्यार न पैपा पैपा ता तू कहाँ से, न करी झूठा वादा न करी हम बहाना, न करी झूठा वादा न करी हम बहाना, कुछ भी मिला मेहनत से मिला अपना कोनो पागम। ओके कभी कुछ हो जाए तना घबरैया सबके देख लेब हम, कभी कुछ हो जाए तना घबरैया सबके देख लेब हम, जे कुछ भी मिला मेहनत से मिला अपना कोनो पागम।
तुम लोग ईश्वरी ये सब क्या है? अरे बेटी इसे क्या हुआ बताओ? ये जहाँ काम करती है वहाँ के मालिक के बेटे से इश्क करती है, अब ये प्रेग्नेंट है। उसने इसे धोखा दे दिया है, वो अपने पिता के डर से कहीं और शादी कर रहा है, इसीलिए इसने खुदकुशी। इसका मतलब तू खुद मर के हमें फंसाना चाहती है? जिसने इसे धोखा दिया है वो कहीं और शादी कर रहा है, उसे जाकर मारिए, उसे चप्पल से मारकर उसी से इसकी शादी करवाइए। करेक्ट बोली बेटा बाल्या, जल्दी जाओ। ठीक है माँ। ठहरिए, शादी एक पवित्र बंधन है, वहाँ पर शराब पीकर जाने से गड़बड़ हो सकती है, ये सब लेडीज का मैटर है और हम लेडीज ही इसे सॉल्व करेंगे। लेडीज पावर क्या होती है ये हम उन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। तो जाइए। हम कामगारों की तरफ से मालिक के बेटे को एक छोटा सा तोहफा, एक मामूली सी कमीज कबूल कीजिए। हमारी मिलके धागे से, हमारी ही मशीन से इसे सिलाई करके, हमारी ही कवर में डालकर हमारे ही बेटे को हमारे ही सामने शादी में गिफ्ट दे रहे हो? हमारे वर्कर इतने कमीने हैं हमें ये आज पता चला है। बड़े लोगों के आने का टाइम हो गया है, जाओ जाओ, तुम पीछे जाके बैठो वहाँ दूर जाओ। ए, खाने के लिए ऊपर के डाइनिंग हॉल में मत जाना, नीचे नीचे जमीन में बैठ के खाना, जाओ 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 पीछे जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेबर है, इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए, कुर्सी पे अगर बैठ के खाना खाएंगे तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए हमने ऐसा कहा। अरे बेटी। माँ यही वो लड़की है। चुप रहो। आपका लड़का इस लड़की से मोहब्बत का नाटक करके इसे प्रेग्नेंट करके किसी और से शादी कर रहा है, क्या ये गलत है? तुम लोग इस तरह शादी में हंगामा मत करो। तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए यहाँ से लेके चले जाओ। इस लड़की को अगर पैसों की जरूरत होती तो जितना चाहिए हम इसे दे सकते हैं, पर इस लड़की को इस वक्त एक जिंदगी चाहिए जो सिर्फ आपका बेटा दे सकता है। ए, मुंह बंद कर, वो एक लेबर की बेटी है जो मेरे फैक्ट्री में काम करता है, राइडू के फैक्ट्री में। ये बात आपके बेटे को भी सोचना चाहिए था, इसमें गलती इसकी भी है। कैसी गलती? ये गलती वलती सब कुछ लड़की को सोचना चाहिए। अरे किसी भी मेडिकल शॉप में फ्री में मिल जाता है निरोध, अगर ये लड़की लड़के को सलाह देती तो पेट से नहीं होती। मैं जानता हूँ लड़की को मेरा बेटा नहीं, पैसा चाहिए पैसा, इसलिए मेरे बेटे के सामने कपड़े निकाली। आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। तेरे जैसी बड़ी बड़ी बातें करके, बोल वचन करके लोगों को डराने धमकाने वाले लोग मैंने बहुत देखा अपनी जिंदगी में, समझा? कौन है रे तू? लेबर, मामूली सा मजदूर। एक ही डायलॉग में तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तेरे डराने से क्या मैं डर जाऊंगा क्या? खाली दिखने में ही नहीं, एक्शन में भी डेंजर है। मैं पीता हूँ मैं जम के दारू, और तेरे जैसे लोग को खड़े हो के चैलेंज। आखिर तू लेबर है, तू क्या मुझे चैलेंज करेगा? ये लेबर लेबर जो तू बार बार बोल रहा है ना, इन्हीं लेबर की वजह से तू इतना बड़ा सेठ बन गया और तू नहीं आंख दिखा रहा है। तेरी फैक्ट्री खोलने से लेकर तेरी जिंदगी बंद कराना इन लेबर लोग के हाथ में है, समझा? अगर इन लोगों ने चाहा ना तो तुझे डुबा के रख देंगे। ऐसे लोगों की तू बेइज्जती कर रहा है? हां चुपचाप हमारी बेटी की शादी करवा रहा है या? मैं करवाऊ बोल, मतलब शादी 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 और क्या? ओके प्यारे लोग जरा इन्हें समझाओ। ए राइडू, अब मजदूरों की तौहीन मत करना, क्या समझा? कोई ना बात, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप यह शादी करवा दो, वरना देखना तेरी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी जैसे साइकिल पे कपड़े बेचने वाले तुम्हारे पिता की थी। और सुनो, हमें सब कुछ पता है कि तुमने कहां से शुरुआत की थी। ए, ऐसे क्या देख रहा है? भूल गया एक जमाने में तेरी माँ भी कपड़े बेचती थी? याद आया? अगर आज और अभी तुमने यह शादी नहीं करवाई तो ये फैक्ट्री कभी नहीं खुलेगी, और ना ही कभी हम लोग खुलने देंगे उसे। आवाज 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 नहीं सुनाई दे रही है, सब लोग बोला भाई जाओ शादी करो, उसी लड़की से शादी करो, शादी करनी पड़ेगी। क्या भाई, शादी या फैक्ट्री बंद? अरे डायडू अब क्या बचा है, यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती तो करवा दी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा के फैक्ट्री बचा लो। चलो आओ बेटा, ये शादी हम करवाएंगे।
आओ आओ चलो चलो आ जाओ। हमें चल। ये सब तू क्या देख रही है? असली शादी मैं करवाऊंगा, चल। बहुत खूब, सिंपली ब्यूटीफुल। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर हुनर किस तरह छुपी रहती है ये इंसान को देखकर लगता है। अच्छी तरह तालीम लेकर भी किसी में इतना हुनर नहीं होता। बाला के अंदर जो हुनर छुपा है, अगर हम उसे बाहर लेकर आए तो दुनिया को एक बहुत बड़ा डांसर देने में कामयाब हो सकते हैं और हमारा ख्वाब भी पूरा होगा। अगर आपसे एक सवाल करें तो जवाब देंगे? 100 सवाल करो, उसका जवाब एक ही मिलेगा। अगर शराब और गुंडागर्दी छोड़ दें तो आप कितने बड़े आदमी बन सकते हैं? क्या बोली, गुंडागर्दी छोड़ दूं? अच्छा एक बात बताओ, गुंडागर्दी छोड़ के करूंगा क्या? जब भी देखो मारपीट करते रहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस शहर के बहुत बड़े दादा हैं? हूं दादा, अच्छे लोग या लेबर के साथ होता अन्याय नहीं देख सकता मैं। अन्याय करने वालों का हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसा है मैं। मतलब आप मारपीट और हिंसा नहीं छोड़ सकते? नहीं, आज के जमाने में जो पुजारी होता है ना, वो मंदिर की हुंडी चुरा के भाग जाता है और गेटअप चेंज करके दूसरे मंदिर में चला जाता है। उस पुजारी की बाबा और ऊपर वाले की भी बाबा। क्या पुजारी होकर ऐसे गलत काम करते हैं? ये तो गलत बात है। नहीं, कुछ गलत बात नहीं, ऐसा ही चल रहा है। कौन से भगवान के पास हथियार नहीं है बताओ? शंकर जी के पास त्रिशूल, विष्णु जी के पास चक्र, हनुमान जी के पास गदा, इन सबको छोड़ो इन सबसे बड़ी माता दुर्गा माता, उनके एक हाथ में त्रिशूल और पैरों में एक राक्षस जिसको उन्होंने मार दिया है। ऐसा ही चलता है, देश स्वतंत्र हो गया है तो क्या कुछ नहीं होने वाला? राक्षस लोगों को भगवान ने मारा, तो आज के गलत काम करने वाले लोगों को मैं नहीं मार सकता क्या? हो गए? ठीक है, हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए आप हमारे सामने किसी और पर हाथ नहीं उठाएंगे। क्या बोली? जो तुम्हें नहीं पसंद वो मैं ना करूं? चलो मैं तुम्हारे सामने किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। ओके सामने से सब लोग। क्या हुआ सर? हंगामा करने वाले लड़के यहाँ के नहीं है, लड़के हॉस्टल में पार्टी देने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें हमारा बेटा चाहिए। जाओ सबको काट के फेंक दो, चल रहे चलो। तुम डरो मत, आओ हमारे साथ आओ। ए, तुम लोग वहाँ जाओ, तुम दोनों यहाँ छुप जाओ। ए, देखो देखो उसको। आई चाबी इधर दे, इधर दे। देख चाबी उसने अपने लॉकर में डाल दी। तो ठीक है ना, उस लॉकर से चाबी मैं निकाल लेता हूँ। तुम नहीं, मैं निकालूंगा। नहीं भाई मैं निकालूंगा। नहीं मैं निकालूंगा। कहा ना मैं निकालूंगा। एक लड़का लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई है, अब तुम्हारी इज्जत तो बचानी ही पड़ेगी ना मेरे को। मार पिटाई तेरे को पसंद नहीं है, पर तेरे को बचाना तो पड़ेगा ना, तो अब क्या करूं मैं? मारपीट इन लोग का खाना है, इन्हें खिलाना पड़ेगा। गलत करने वालों की आरती नहीं उतार सकता मैं, तो मैं क्या करूं? कोई अगर पीछे से तो उसका जवाब देना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। बताना क्या करूं मैं? अरे अब तो मान लो, इन जानवरों से प्यार से नहीं,
हाथ से बात करना पड़ता है। फाइटिंग करने के लिए परमिशन मिलेगी ना? हाँ? लेकिन फाइटिंग करने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ? सबको सुला डाला। सॉरी, माफ करना। देखा 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 मजा मजा, बोला 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 मजा बता, ए दिल के तू देखा अब इसमें का बता दे, तू बस करीब आ जा अब भाव ने इतना खा, देखा 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 मजा मजा, बोला 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 मजा बता। सुनो 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 सुनो, करके दिल चोरी कहाँ चल दिए रे गोरी, दिल हमरा घबराए ढूंढे सारा जहाँ, दिल हमरा माने ना कहीं प्यार हो न जाए, है मन में बेचैनी है मजा मजा अब गले तो लग जाए, देखा 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 मजा मजा, बोला 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 मजा बता। झोंका ना छोड़ी मौका, आजा हमरे पास तू ले मजा मजा, तू है मन चला अब माने ना हमरा, भूल के दुनिया दारी तू ले मजा मजा, काहे ऐसन करना ओ हमरी जाने जा, इकरार त करती जा तू हंसी तो मैं हूँ जवान मुंडा, बोला 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 मजा बता, देखा 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 मजा मजा, अब भाव ना इतना खा तू बस करीब आ जा, ए दिल के तू देखा तुम्हें चाही का बता, देखा 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 मजा मजा, अरे ले लो ले लो ले लो मजा मजा। चला गया हमार बेटा, वो लड़की के साथ दिल्ली में सेटल हो गया, वो दूर चला गया, पर हम नहीं छोड़ेंगे वो वर्कर के लीडर, वो हॉस्टल वाली लड़की का हम नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? बाला के बारे में हमें कल सब कुछ पता चल गया, पर हमारे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं, इसलिए मैं एक पार्टी देना चाहती हूँ। कब? कल। कल तुम क्या, तुम्हारी अम्मी की अम्मी भी बोलेंगी ना तो भी बाला नहीं आएगा। चुप रहो। माँ रुको, मैं बताता हूँ। कल क्या है ना, हमारी सरला माँ का जन्मदिन है। अच्छा, तो आपकी सालगिरह की पार्टी का इंतजाम मैं करूंगी। मेरा जन्मदिन?
तुम मनाओगी? आप अपने सालगिरह की पार्टी में बाला को जरूर बुलाइए। मैं अपने दिल की बात उसे बताऊंगी। प्लीज चाची। ठीक है बेटी, मैं उसे ले आऊंगी। आपका शुक्रिया। ठीक है। इस तरह से घूर घूर के क्या देख रही हो माँ? वो क्या है ना बेटा, कल मेरा जन्मदिन है। और क्या भैरवी? वो मामूली भैरवी नहीं है माँ, पाताल भैरवी है। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ, छोड़ दो, मैं नहीं आ पाऊंगा। भैरवी अगर पाताल भैरवी है तो तू भी कुछ कम नहीं है, तू तो जंगल का शेर है। हाँ इसमें से पकड़ो। आखिर में उस लड़की को ही जिताया ना। कैसी लग रही हूँ बाला? मोहबन बेटा, अपनी एक्स्ट्रा एंट्री देकर इसको चौका डालो। सूट बूट में कैसा लगता है जरा देख तो ले। तेरे लिए बड़ी विनती करके पहना के लेके आई हूँ। ए, जरा लड़की का हाथ तो पकड़ ले। माँ लेकिन अभी टंकी में कुछ गया नहीं। हाँ हाँ पकड़ लो पकड़ लो। ओके कम ऑन कम ऑन। अरे देखो कैसी लग रही है जोड़ी। सुपर जोड़ी बा। कौन है वो? मेरा बेटा। अरे सर कैसी लग रही है जोड़ी? एकदम फिल्मों का हीरो लग रहा है। कौन है ये? वो मेरा बेटा है। सर नमस्ते सर। कैसी लग रही है जोड़ी? बहुत अच्छी जोड़ी है। लगता है लड़का बहुत ही पैसे वाला है मैडम। नहीं नहीं सर, वो लड़की तो बहुत ही पैसे वाली है। करोड़पति है, लंदन में फैक्ट्री वगैरह है, बहुत बड़े बड़े डांस क्लासेस भी हैं। अच्छा अच्छा ये बात है। अरे मेरे बेटे को मेरी ही नजर ना लगे, घर जाके सबसे पहले उसी की नजर उतारूंगी। ठीक है जाओ जाओ। जरूर उतारना। वो भगवान जो है अन्याय करने वाले मेरे जैसे राक्षस का भी कभी कभी कल्याण कर देता है। इसने मेरे बेटी की शादी एक लेबर की बेटी से करवा दी और यहाँ एक लंदन की लड़की लेबर के साथ। अर्जेंटली ये लोकल मैटर, लंदन में आज एसडी करके उसकी माँ को बताता हूँ। सालगिरह मुबारक हो। ये सब क्या है? बर्गर स्लाइसर इटालियन डिलाइट। अरे ये क्या, इंग्लिश फिल्मों के नाम बता रही हो क्या? बाला ये सारी फॉरेन डिशेस हैं, बहुत लजीज हैं, खाइए ना। हमें वो खाना चाहिए जो हमें पता है, जिसके बारे में नहीं जानते वो खाना नहीं खाएंगे हम। अरे हम लोग खाना बनाते समय नीचे आग लगाते हैं और तुम लोग खाना बन जाने के बाद नीचे आग लगाते हो। ये कौन सा खाना है भाई? खाना तो हमारे मुल्क का होता है समझे। मटर पनीर, दाल मखानी, शाही पनीर, पनीर कोरमा, मलाई कोफ्ता और न जाने क्या क्या। हमारे मुल्क का खाना खा लो तो मजा आ जाएगा मजा। और अगर वो खाना मेरी माँ के हाथ का हो तो मजा ही आ जाएगा। और आसानी से हजम भी हो जाता है। बहुत खूब, स्टार्ट द म्यूजिक। ए बंद कर रहे, ये कोई म्यूजिक है? ये मेरी माँ है और ये उनका सुपरस्टार बेटा। असली गाना तो मैं गाता हूँ। Hey, yeah.
आके लग जा गले नागिन बन के जाने मन चूम ली हम होठ तोरा बन जा दिल के तू धड़कन तू बस आके लग जा गले नागिन बन के जाने मन चूम ली हम होठ तोरा बन जा दिल के तू धड़कन कर दे हाँ कर दे हाँ कर दे मेरी जान तू शादी करा दे मेरी बात मेरी मान तू तू बस आके लग जा गले नागिन बन के जाने मन हर रोज पर दिल ना माने देखी हर रोज पर दिल ना माने तेरा मेरा प्यार सारा दुनिया जाने आ जाना हमरे पास रब की इबादत होनी है माना ना दिल के बाद बाकी मोहब्बत होनी है इस दिल में आ जा तू ना कहना कभी भी तू ना झगड़ा ना लफड़ा नाराज ना तू हो बस अके लग जा गले नागिन बन के जाने मन हे झूम ली हम होठ तोरा बन जा दिल के तू धड़कन बुलबुल ओए बुलबुल ओए मेरी बुलबुल बुलबुल ओए बुलबुल मेरी बात तो सुन ले मुझे ले जा रे मुझे ले जा रे मुझे ले जा रे मुझे ले जा रे सारा जहां एक तरफ जब रहे हमरी माँ सारा जहां एक तरफ जब रहे हमरी माँ यही मेरी दुनिया है यही तो जहां माँ हमरी चारों धाम पूजा करी हम सुबह शाम माँ हमरी है भगवान तुहके करी अब हम प्रणाम इस दिल में आ जा तू ना कहना कभी भी तू ना झगड़ा ना लफड़ा नाराज ना तू हो तू बस आके लग जा गले नागिन बन के जाने मन चूम ली हम होठ तोरा बन जा दिल के तू धड़कन मस्ती 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 करो बाबा सब कुछ मेरे लिए है सासू माँ तू बस आके लग जा गले नागिन बन के जाने मन चूम ली हम होठ तोरा बन जा दिल के तू धड़कन I love you. I love you. I love you. मोहब्बत इश्क का झांसा देके मेरी माँ को किसी ने धोखा दिया है और मेरी माँ ने बगैर पति के और मैं बिना पिता के जिंदगी कैसे गुजारा मैं जानता हूँ मोहब्बत का नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है नफरत है मुझे मोहब्बत नाम से देख मुझे जो चीज पसंद नहीं है मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता तुम जा सकती हो देखिए बाला आपका दिल तो समंदर की तरह है उसकी गहराई में जो मोहब्बत छुपी है हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ मैं खुद नहीं जानता बाला आप एक कमल की फूल की तरह हैं। अगर उसे धोकर भगवान की चरणों में चढ़ा जाए तो उसका स्थान फालतू की बकवास मुझसे मत कर मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता आपके अंदर जो हुनर छुपा है उसी हुनर की वजह से हम आपसे मोहब्बत करते हैं मोहब्बत का मतलब हाँ, क्या है मोहब्बत का मतलब एक लड़का लड़की का मिलना और अपनी ख्वाहिश पूरी करना हमारे हिसाब से यही मोहब्बत है क्या तुम्हें मंजूर है तुम्हें हाँ हाँ स्वीकार करती हूँ Thank you.
मोहब्बत के लिए इंसान अपनी जान भी देता है, पर हम अपनी जान से बढ़कर अपना तन तुम्हें दे रहे हैं। आइए। एक मिनट, मैं जहाँ खाता हूँ वहीं पर हाथ भी धोता हूँ, बाद में कोई झंझट नहीं लेना। अच्छा ये लो पकड़ो, ये 7,000 है, और भी चाहिए तो अगली 7 तारीख को मिलना। मोहब्बत की कीमत और माँ की दूध की कीमत लगाने वाले तुम जैसे इंसान को तो हैवान का नाम देना चाहिए। मोहब्बत का मतलब नहीं जानने वाला जानवर ही होता है। भाग! तू मोहब्बत की भावना, प्यार का एहसास, इन सब चीजों के बारे में क्या जानेगा, क्योंकि तू राक्षस है। राक्षस जा यहां से। तू अपने कॉलेज के लिए मास्टर नहीं, अपनी मौत को ढूंढने के लिए आई थी। उसके आने से पहले तू यहाँ से चली जा। बालाजी जैसे इंसान के दिल में अगर बदले की भावना आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। बड़े घर की बेटी हुई तो क्या हुआ, तुम उसे रोक नहीं पाओगी। जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ निकल जाओ, चली जाओ। बालिया बालिया, भैरवी कहाँ? हमने उसे भेज दिया बालिया, इस गांव से भेज दिया। प्लीज बाला, भैरवी को भूल जाए। भैरवी कहाँ है? वो यहाँ से चली गई है, प्लीज उसे भूल जाओ। कहाँ है भैरवी? भूल जाइए, भूल जाओ बालिया। भैरवी यहाँ है। हाँ? क्या मारेंगे? आइए मारिए मुझे। जब आपने हमारी सच्ची मोहब्बत को हवस की नजरों से देखकर उसकी कीमत लगाई तभी हम मर गए थे, और मरी हुई लाश को मौत से डर नहीं लगता। आइए मारिए मुझे। तुमने यहां मारा, मुझे यहां लगा। अभी तक मुझे बस माँ का प्यार पता था, लेकिन अब तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया। तुम्हारा प्यार समुंदर की तरह है और आकाश की ऊंचाई की तरह है, मेरी शराब से कहीं ज्यादा। और ये मुझे पता चल गया है, अगर तुम मुझे सबक नहीं सिखाती तो शायद मैं कभी इंसान नहीं बन पाता। वाल्मीकि डाकू एक घटना से साधु बन गए थे, और आज जो घटना घटी उससे आप बिल्कुल सुधर गए हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। माने जग सारा तुम कहे मानना, माने जग
सारा तुम कह मानना, बन जा साथी हमार, करी अब तोहरा से हम प्यार, बन जा साथी हमार, करी अब तोहरा से हम प्यार। राजा भाई, हैप्पी न्यूज। आप अपनी मनपसंद जेल में शिफ्ट होना चाहते थे ना, तो ये बात मैंने बड़े भाई को बोल दी। उन्होंने शिफ्ट की जगह तेरी बेल ही करवा दी। आज रात को ही आप लंदन चले जाओ। नहीं नहीं, मुझे जेल बेल कुछ भी नहीं चाहिए। उसको मारे बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। हमारी ये हालत करने वाला हमें चाहिए, उस कमीना के हम अपने हाथ से मारेंगे। कौन है, क्या नाम है उसका? कोई बालिया है, आगरा कॉलोनी में रहता है। जिस तरह हम कभी कभी लोगों के साथ अन्याय करते हैं, ठीक उसी तरह कभी कभी भगवान हमारे साथ न्याय भी करता है। उसने तो सिर्फ तुम्हें मारा है, लेकिन लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। सिर्फ उसको मिटाने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ उसकी कॉलोनी को भी मिटाना होगा। उसे और उसकी कॉलोनी को शमशान बना दूंगा। ये क्या माँ, बिन बताए आ गई आप? आपसे मिलने आए हैं। माँ, मैं आपको फोन करके बताने वाली थी। थैंक गॉड आप खुद ही आ गई, एक इम्पोर्टेंट बात थी। जानते हैं, पता है आपको एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, यही ना? और उसका नाम बालकृष्ण है। माँ, ये सब आपको कैसे पता चला? कोई सिल्क कंपनी का मालिक है नायडू, और उसी ने मुझे ये आपकी सारी दास्तां सुनाई है। भैरवी के बारे में हम नहीं जानेंगे क्या? वो जो भी काम करती है हमारी पसंद का ही करती है, या फिर भैरवी जो करती है वो हमें पसंद है। मम्मी, हमने गरीब लड़के से प्यार किया है, ये बात कहने से डर रही थी, लेकिन आप तो वो गरीब नहीं बेटी, वो इंसान कैसे गरीब हो सकता है भैरवी, जिसने तुम्हारा दिल चुराया वो तो चक्रवर्ती है। मोहब्बत का चक्रवर्ती शहंशाह। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। हमारी मैडम ने आपको बुलाया है। कौन मैडम? भैरवी की माँ। नमस्कार मैडम, मुझे आप बुला लेती तो मैं खुद चली आती, आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तुम्हें होती तो तुम ढूंढती हुई आ। जरूरत मुझे है तो मैं ढूंढती हुई आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आपको मुझसे काम है? हमारी बेटी भैरवी की शादी की बात करनी है। गाड़ी में बैठो। ये उसी का इलाका है, आग लगाना है, मर्डर करना है, जो करना है कर ले, आजाद है तू। टैंक का नोजल खोल दो। आलिया कहाँ है? आएगा वो, जरूर आएगा, इनकी चीख सुनकर आएगा। पब्लिक होकर जान है, इसे ही हमके मारना है, इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मंडप का एक दिन का किराया कितना है जानती हैं? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? और यही मैं अपनी बेटी भैरवी का शादी कराना चाहती हूँ। यहाँ एक साथ 2000 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। हाँ हाँ, बालिया की शादी के लिए इतनी गाड़ियाँ आएंगी। आइए देखिए, इस हॉल के अंदर एक साथ 3000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इतने लोग? यस, ये चामुंडेश्वरी की बेटी का निकाह हो रहा है, समझ गई? सेंट्रल मिनिस्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे। सच कह रहे हैं, मेरे बाल्या के जन्म कुंडली में कुछ ऐसा ही लिखा है, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ खा सकते हैं। अरे बाप रे, 1000 लोग, वो भी मेरे बाल्या की शादी में? हमारे होटल में इलेक्शन के टाइम में 20 लोग से ज्यादा नहीं आते। सचमुच मेरा बाल्या बहुत किस्मत वाला है। अब अगर हमारी बेटी भैरवी तुम्हारी बहू बनी तो उसे क्या सिखाओगी? अपने होटल के बगल में दूसरा होटल देख रखा है क्या? इडली कैसे बनाते हैं, कितना आटा पड़ता है, कितना पानी चाहिए, ये सब सिखाओगी उसे? ये आप क्या बोल रही हैं? मेरा बेटा बाल्या और आपकी बेटी भैरवी? मेरी बेटी का नाम भी तुम ठीक से नहीं ले सकती, और तुम्हारे बेटे का नाम अपनी जुबान से लेते मुझे बहुत तकलीफ होती है, समझी? आपकी बेटी ने पहले मेरे बेटे से प्यार किया। ये सब बकवास बातें हमें नहीं सुननी। तुम जैसे लोग एक खूबसूरत लड़के को पैदा कर देते हो, फिर उसे शेर की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देते हो, फिर उसे सिखाते हो, समझाते हो कि किसी पैसे वाली लड़की को फांस कर उसकी दौलत पर कब्जा कर लो, ताकि वो और उसका सारा परिवार खुशी से रह पाए।
लंदन में मर्दों से भी धंधा करवाया जाता है ऐसा सुना था, पर यहाँ इंडिया में अपने ही बेटे से धंधा करवाया जाता है ये मैंने पहली बार देखा है, और इसकी शुरुआत तुम हो। इसे क्या कहते हैं जानती हो? मेल प्रोस्टिट्यूट। अगर तुम्हारी कोई लड़की होती तो तुम उसी के सहारे जिंदा होती, ये तो लड़का है इसीलिए बिजनेस करवाया। शुरुआत तुम्हारे बेटे ने की या तुम कर चुकी हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब लोग? सब ठीक है ना? सुबह से तुम्हारी माँ गई है, अभी तक लौट के नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या सुबह से नहीं दिखी वो? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी माँ कहाँ कहाँ जाती है सबको पता है। जाती है तो सुपरमार्केट में या फिर सब्जी लेने बाजार में, नहीं तो तुम्हारे जन्मदिन पर अपने कॉलोनी के मंदिर में। सब जगह ढूंढे बाबू, कहीं पता नहीं चल रहा है। सुबह से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सुबह से ही नहीं लग रहा है। ये कैसे हो गया? मैं एक बड़ा सा मंडप फिक्स करके तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हूँ और यहाँ बाला की मम्मी गायब हो गई। पुलिस में कंप्लेंट की तुमने? पुलिस कंप्लेंट क्यों? क्या सरला माँ ने कुछ गलती की है? अगर हम गलती करते हैं तो सरला माँ हमें समझाती हैं। ऐसी है सरला माँ। अगले जैसी बातें मत कीजिए। सरला आंटी गायब है तो क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हम जाकर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। फिर भी नहीं, ऐसी बात मत करो, बर्दाश्त नहीं होता है मुझे, नहीं कर पाऊंगा। बालिया, ये प्रसाद है, मेरे जीजा जी। नमस्कार। जनरल हॉस्पिटल में काम करते हैं। जब माँ गायब हुई थी उस दिन इनके हॉस्पिटल में 3 लाशें आई थी, अगर आप चलकर देख लें तो। सरला माँ को अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? नहीं हो सकता, हमें एक बार अस्पताल जाकर देख लेना चाहिए। चामुंडेश्वरी के गुरूर ने मेरी माँ और भैरवी की जान ले ली। मेरी भैरवी अब सिर्फ मेरी लकीरों में है, उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाया मैं। मैं अपनी अम्मी, मोहब्बत और कॉलोनी वाले सबको खो चुका था। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह था। मैं क्या करता और क्यों जीता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच सोच के मैं पागल हो रहा था, नजरें होने के बाद भी अंधा था और बेबस होता जा रहा था। कहां जा रहा था, किधर जा रहा था, मुझे खुद नहीं पता था। और जब मैं यहां वहां भटक रहा था तब एक दिन गंगा नदी में मुझे मेरी मोहब्बत दिखाई दी। ये क्या बाला, क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? क्या इसलिए मैंने तुमसे मोहब्बत की थी? मुझे और तुम्हारी मम्मी को जिसने तुमसे दूर किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें जीना ही होगा, और जो लोग तुम्हारे लिए जी रहे हैं उन्हें साबित करना होगा बाला। जो मोहब्बत मुझे नहीं मिली वो मेरी बहन कल्याणी को मिलनी चाहिए। जहाँ मेरी जिंदगी खत्म हो गई वहाँ से मेरी बहन
कल्याणी की जिंदगी शुरू होनी चाहिए। कल्याणी के लिए तुमसे अच्छा आदमी कोई और नहीं हो सकता, तुम उसे अपना लो, यही मेरी आरजू है। इस चामुंडेश्वरी ने जिस बालिया को नाजायज कह के ठुकरा दिया था, उसी चामुंडेश्वरी से मैंने अपनी तारीफ करके उसे अपने पास बुलाया। जिस चामुंडेश्वरी ने यह कहा कि मैं उसकी बेटी के काबिल नहीं हूं, और जिसने मेरी माँ को और भैरवी को मुझसे दूर किया, फिर उसी चामुंडेश्वरी को अपनी छोटी बेटी से मेरी शादी करवाने के लिए मजबूर कर दिया। बताइए चामुंडेश्वरी जी, आपकी बेटी से मैं शादी करके क्या करूं? एक और इडली की दुकान डालूं? इडली कैसे बनाई जाए, इडली के साथ चटनी कैसे बनाई जाती है, ये सिखाओ। चप्पल सीने वाले का बेटा अब्राहम लिंकन एक टाइम पे अमेरिका का बादशाह था, पता है ना आपको? एक टाइम पे घर घर जाके अखबार बांटा करते थे अब्दुल कलाम। वो कौन है? हमारे मुल्क के बादशाह। एक इंसान के लिए एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट इंपॉर्टेंट है। कहां पैदा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हासिल किया ये इंपॉर्टेंट है। धर धर झर 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 मेरा दिल करे है तुझी से मिलन, घन 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 डम 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 तू चुप ना रहा, देख ली हाल दिल का, मेरे दिल में तू बसा तू दूर ना रहा, पाँव तले प्रेम कमल बिछा दी, बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा। कैसे पता? कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, कभी हम चांद देखी कभी हम तोहरा, बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार। बन जा साथी हमार, करे अब तोहरा से हम प्यार।